साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपना कैशलेस स्टेट हेल्थ कार्ड किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन आपको DDO या TO के अप्रूवल के बाद ही मिलेगा, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म DDO या TO के यहाँ जमा करना है। उसके बाद वो इस फॉर्म को अप्रूव करेंगे, तब आपको प्रिंट स्टेट हेल्थ कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे और भी साथी इसका लाभ ले सकें। अब ये देखिए, ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे। साथियों, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में कैशलेस स्टेट हेल्थ कार्ड प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, किस तरीके से आप एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। अब यहाँ से आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव्ड आ रहा है, आप क्लिक हियर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, आपको दूसरे वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ से आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, गेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर OTP टाइप कर देंगे और साइन इन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब आप साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए, इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, कार्ड स्टेटस आ रहा है, कार्ड नॉट मेड। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको अपना और जो आपने डिपेंडेंट ऐड किए हैं उनको आपको EKYC करना है। अब व्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर जो कार्ड होल्डर है उसकी डिटेल्स आ रही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए, EKYC का ऑप्शन आ रहा है। आप गेट OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो जो नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो कार्ड होल्डर है उसका EKYC हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए OTP से आपने EKYC कर दिया है। आप यहाँ पर कैप्चा कोड टाइप करेंगे और फिनिश ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स पर टिक किया, कैप्चा कोड टाइप करेंगे और फिनिश ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, जो कार्ड होल्डर है उसका EKYC यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आप जितने भी डिपेंडेंट हैं जिनको आपने ऐड किया है उनका भी EKYC आपको करना है। से आप अप्लाई आयुष्मान कार्ड ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर देखिए, इसी तरीके का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ से आप डिपेंडेंट की डिटेल ओपन करेंगे, देखिए हमने डिपेंडेंट की डिटेल ओपन की। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको EKYC करना है। गेट OTP ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो जो डिपेंडेंट के आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, आप नेक्स्ट कर देंगे, डिपेंडेंट की डिटेल आपको दिख जाएंगी। उसके बाद आप कैप्चा कोड टाइप करेंगे और फाइनल ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। फिनिश ऑप्शन पर आपने क्लिक कर दिया तो ये देखिए, डिपेंडेंट का भी EKYC हो गया है। अब कार्ड का स्टेटस हम देखते हैं। अब देखिए, आपको डाउनलोड कार्ड ऑप्शन पर जाना है। डाउनलोड कार्ड ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, कार्ड स्टेटस, कार्ड अप्लाइड। तो अब यहाँ से कार्ड के लिए अप्लाई हो गया है, अभी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो एक हफ्ते के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकें और अपना हेल्थ कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकें। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।